मेरा क्वेश्चन नंबर 26 आप अपने सामने निकाल लीजिए प्लीज सभी एवरीवन क्वेश्चन नंबर 26 सभी ये कह रहा है द फॉलोइंग पुट द फॉलोइंग ऑन प्रॉपर साइड ऑफ कैश अकाउंट डेटर्स अकाउंट एंड क्रेडिटर्स अकाउंट हमें तीन अकाउंट बनाने हैं एक कैश अकाउंट एक डेटर्स अकाउंट और एक क्रेडिटर्स अकाउंट वी हैव टू मेक थ्री अकाउंट्स साइड बाय साइड सर ये कौन से पेज पे है पेज नंबर 6.18 6.18 ठीक सर उसमें तो 13 ही क्वेश्चंस है 13 के बाद कोई क्वेश्चन ही नहीं है क्वेश्चन नंबर सॉरी दिस इज 11th क्वेश्चन मैं क्वेश्चन नंबर गलत लिखा है क्वेश्चन नंबर 11th हो गया क्या ये सर नहीं आपने 10 तक ही दिए थे अच्छा तो फिर देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी पढ़ें ये कह रहा है पुट द फॉलोइंग ऑन प्रॉपर साइड ऑफ कैश अकाउंट डेटर अकाउंट एंड क्रेडिटर अकाउंट पहली ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स टू संजय ऑन क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या है बेटा पहली सोल्ड गुड्स टू संजय ऑन क्रेडिट हमने संजय को माल उधार बेचा अगर हमने संजय को माल उधार बेचा तो इसमें कौन कौन से दो अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड हैं पहले तो ये बताओ अंबिया यस सर पहले तो सब वीडियोस ऑन करो बेटा ये तुम गुंडागर्दी मत किया करो सर तो ये बताओ मुझे कि अगर हमने संजय को उधार माल बेचा है तो इसमें कौन कौन से दो अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड हैं सर हेलो ओ सर मैं म्यूट पे थी हाँ जी अच्छा सॉरी मुझे नहीं पता था कोई बात नहीं अभी बोलो फिर से क्वेश्चन पूछो हाँ क्वेश्चन रिपीट करना प्लीज मैंने कहा हमने संजय को माल उधार बेचा है कौन कौन से दो अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड हैं इसमें डेटर्स और कैश नहीं सेटी तेरे हिसाब से कौन से दो अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड हैं सर सेल्स और डेटर सेल्स और डेटर संजय तो सेल्स को ऑप्शन का है नहीं हमें इसमें से नहीं देखना आप एंट्री देखकर बताओ कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड हैं तो ये एक बात तय हो गई कि जो डेटर है वो हमारा संजय है हमने संजय को माल उधार बेचा है तो संजय का अकाउंट बनाना है और इस पहली ट्रांजैक्शन से दो अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड हैं एक संजय और एक सेल्स इस ट्रांजैक्शन से जो दो अकाउंट इन्वॉल्व्ड हैं उसमें एक संजय का वो है और एक सेल्स का है तो संजय को हमने माल उधार बेचा है तो संजय हमारा बना डेटर संजय क्या बना बेटा डेटर बना और सेल्स हमारी रेवेन्यू हुई इसमें रूल क्या लगेगा संजय जो डेटर है अगर हम उसको और माल उधार बेच रहे हैं तो वो यहां बढ़ेगा बेटा जो डेटर का रूल होता है वो क्या रूल होता है बेटा डेटर का रूल ये होता है कि डेटर इधर बढ़ेगा और इधर घटेगा डेटर कौन सी कैटेगरी में आएगा बेटा अगर मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से सोचो तो एसेट की कैटेगरी में और अगर एसेट की कैटेगरी में आएगा तो एसेट डेबिट में बढ़ेगा और क्रेडिट में घटेगा इस ट्रांजैक्शन से संजय बढ़ रहा है कि घट रहा है सर बढ़ रहा है बढ़ रहा है वो एज अ डेटर बढ़ रहा है तो हम यहाँ डेबिट में लिखेंगे सेल्स कितने रुपए की सेल करी हमने 50,000 मैं एक बार दोबारा समझाता हूँ बेटा इस बात हमने अगर गुड्स उधार बेचे हैं संजय को तो इसमें दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हो गए एक संजय का अकाउंट एज अ डेटर और एक सेल्स अकाउंट अब संजय का जो अकाउंट है वो हमारा डेटर अकाउंट है अब डेटर अकाउंट एसेट होता है अगर ये एसेट होता है तो एसेट हमारा बढ़ रहा है अगर हमने उसको माल उधार और बेचा है तो वो हमारा एज अ डेटर और बढ़ रहा है और अगर वो और बढ़ रहा है तो वो डेबिट होगा
सेल्स अकाउंट हम बना ही नहीं रहे हैं, उसने हमसे सेल्स अकाउंट पूछा ही नहीं, तो इसकी बस यही पोस्टिंग होगी पहली ट्रांजैक्शन। दिस इज फर्स्ट ट्रांजैक्शन पोस्टिंग, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। मैं आपके लिए यहाँ फर्स्ट लिख रहा हूँ, वैसे वहां लिखना नहीं आप। सर एक डाउट है, बोलो सर। जैसे कि हमें पता है कि हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, क्रेडिट और डेबिट। थोड़ा तेज हाँ ठीक है सर। तो सर उसके बाद अब जैसे इसमें संजय और सेल्स है, तो अगर हम देखें कि सेल्स हमारे गुड्स के लिए यूज होता है, तो हमारे इस ट्रांजैक्शन में गुड्स कम हो रहे हैं तो वो, और संजय बढ़ रहा है, मतलब एज अ डेटर एज एन एसेट वो बढ़ रहा है, तो संजय डेबिट की तरफ और सेल्स क्रेडिट की तरफ क्यों नहीं आया सर? हाँ सेल्स क्रेडिट करनी है अभिनव, मगर हमें सेल्स अकाउंट बनाना नहीं है ना। अच्छा 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 अच्छा। The question asking for only three accounts, cash, debtor or creditor. Okay sir, मतलब वैसे वो सही। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, transaction के दो aspect होंगे और दूसरा aspect यही है कि sales credit होनी है, मगर वो sales account पूछ ही नहीं रहा है, इसलिए हम sales account नहीं बना रहे। Okay sir, great. Transaction number two, sold goods to Mohan for cash. हमारी transaction क्या है बेटा? Sold goods to Mohan फॉर कैश। हमने अगर मोहन को गुड्स बेचे हैं कैश, तो ग्रेसी इसमें दो कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड हैं? सर सेल्स और कैश। एक कैश इन्वॉल्व्ड है और एक सेल्स इन्वॉल्व्ड है। मोहन कहीं इन्वॉल्व्ड नहीं है, क्योंकि अगर उधार बेचे होते तो मोहन इन्वॉल्व होता, या मोहन का कोई रोल ही नहीं है, मोहन का सिर्फ नाम है ट्रांजेक्शन, मोहन का कहीं कोई रोल नहीं। तो यहाँ पर कैश और सेल्स, सेल्स को तो छोड़ ही दो क्योंकि सेल्स का अकाउंट बनाना ही नहीं। अब मोहन को जब माल बेचा है कैश, तो कैश बढ़ रही है। हाँ बेटा, जब हमने माल बेचा और कैश ली तो कैश बढ़ रही है हमारी। कैश क्या है? एसेट। इधर बढ़ेगा और इधर घटेगा। कैश क्या है बेटा? एसेट है। इधर बढ़ेगा डेबिट में और क्रेडिट में घटेगा। तो डेबिट में इस ट्रांजेक्शन को लिखेंगे सेल्स के नाम से। कितने रुपए बेचा? 20,000 रुपए का माल बेचा। बेटा अगर पहली दूसरी में नहीं समझ में आया तो तीसरी ध्यान दे, तीसरी नहीं आ रही चौथी ध्यान दो। हर ट्रांजैक्शन का रूल एक ही कर रहा हूं मैं, हर ट्रांजैक्शन में काम मैंने एक ही करना है बेटा, ध्यान देना। अगर आपको पहली दूसरी नहीं समझ में आ रही, तीसरी में ध्यान दे दो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, मगर ध्यान दो। ध्यान नहीं दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी सर। हाँ जी सर, बस एक बात समझ नहीं आ रही, जैसे हम बोल रहे हैं कि हमें सेल्स का अकाउंट नहीं बनाना, लेकिन जब भी हम एंट्री कर रहे हैं तो हम उसमें सेल्स लिख रहे हैं। पहले वाले में अगर संजय एज ए डेटर बढ़ा है तो हमने संजय क्यों नहीं लिखा, और अगर दूसरे वाले में कैश हमारा बढ़ा है एज एन एसेट तो कैश बढ़ना चाहिए था, क्योंकि कैश बढ़ेगा तो वो डेबिट में आएगा। ये एक इसका सवाल का जवाब ये है कि अगर कैश में, अभिनव मैं यहाँ पर कैश ही लिख दूंगा तो मुझे ये कल को पता नहीं चलेगा कैश अकाउंट देख कर कि ये पैसा आया कहाँ से। अच्छा अच्छा अच्छा। 20,000 रुपए डेबिट दिखेंगे तो ये तो मुझे पता चल जाएगा कि पैसा आया है। हाँ सर। मगर आई नीड टू नो कि ये पैसा कहाँ से आया, क्योंकि बहुत सारे अकाउंट से आ सकता है। सो दैट इज व्हाई मैं ऑपोजिट का नाम लिखता हूँ। अच्छा क्लियर सर। तो डाउट ओके? यस सर, फाइन सर। नाउ परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। आदित्य अगर मैंने गुड्स खरीदे हैं राम से उधार, यस सर, यस सर, तो कौन कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व हो गए बेटा? राम, एक तो राम हो गया, और परचेज, परचेज, एक परचेज और एक राम। यस सर। परचेजेस अकाउंट तो मैं बना नहीं रहा हूं, और राम हो गया मेरा क्रेडिटर। राम, ये जो क्रेडिटर्स अकाउंट है ये किसका अकाउंट है? यानी राम्स अकाउंट। ठीक है जी। अब अगर मैंने राम से गुड्स उधार खरीदे हैं, राम हमारा क्रेडिटर है बेटा, क्रेडिटर आएगा लाइबिलिटी की कैटेगरी में, क्रेडिट में बढ़ेगा और डेबिट में घटेगा। बेटा क्रेडिटर कौन सी कैटेगरी में आएगा बेटा? लाइबिलिटी में। आप क्लियर वाला रूल याद करो, क्लियर वाले रूल के हिसाब से जो हमारा ये राम है वो एज अ लाइबिलिटी आएगा, और अगर एज अ लाइबिलिटी आएगा तो क्रेडिट में बढ़ेगा और डेबिट में घटेगा। अगर मैंने राम से माल उधार खरीदा है तो राम एज अ क्रेडिटर बढ़ गया है, तो बढ़ गया है तो ये क्रेडिट में आएगा हमारे 25,000 रुपए। किस नाम से? परचेजेस के नाम से। जो ट्रांजैक्शन नंबर फोर, ट्रांजैक्शन नंबर फोर से कैश रिसीव फ्रॉम संजय। करुणा कुमार, कैश रिसीव फ्रॉम संजय में कौन कौन से दो अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड हैं?
सर डेटर्स और कैश कैश और संजय सिंपल है ना अगर संजय ने हमें कैश दे दी है तो संजय एज अ डेटर घट गया संजय जितना पैसा दे जाएगा उतने के लिए हमारा डेटर नहीं रहेगा तो संजय घट जाएगा और कैश बढ़ जाएगी हाँ या नहीं बेटा अगर कैश रिसीव फ्रॉम संजय है तो एक तरफ कैश बढ़ जाएगी और एक तरफ संजय जो है वो हमारा एज अ डेटर घट जाएगा तो अगर कैश बढ़ रही है तो कैश के डेबिट में आएगा कितने पैसे लिए हमने संजय से 19,000 रुपए तो 19,000 रुपए कैश के डेबिट में आएंगे क्यों बेटा 19,000 कहाँ आएगा कैश के डेबिट में नाम किसका आएगा संजय का और इधर संजय घट रहा है तो संजय के क्रेडिट में आएगा नाम किसका आएगा कैश का Am I right? अगर मैंने संजय से पैसे ले लिए हैं तो कैश बढ़ गई है और संजय घट गया है तो जो कैश बढ़ रही है वो कैश के डेबिट में आ गया और जो संजय घट रहा है वो संजय के क्रेडिट में Is that okay? Got it or not? अगला है गुड्स रिटर्न्ड बाय संजय गुड्स रिटर्न्ड बाय संजय रिया मान गुड्स रिटर्न्ड बाय संजय दो कौन कौन से अकाउंट्स अफेक्टेड हैं सिर्फ ये बताइए सर गुड्स रिटर्न्ड बाय संजय संजय कौन है हमारा डेटर हमने उसको माल बेचा होगा अगर वो हमें गुड्स रिटर्न कर रहा है तो कौन कौन से दो अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड हैं सर ये समझ नहीं आ रहा ये वॉइस नहीं आ रही सर मैं कह रही हूँ ये समझ नहीं आ रहा बेटा अगर वो हमें माल हम उसको माल बेच रहे थे अगर वो हमें माल वापस दे रहा है तो एक तो सेल्स रिटर्न और दूसरा कौन दे रहा है संजय सेल्स रिटर्न बढ़ गया हमारे पास जो माल आ गया वापस वो बढ़ गया इधर से संजय एज अ डेटर घट गया जिनको भी समझ नहीं आ रहा चिंता करने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन और करेंगे अभी लगे रहो छोड़ो मत संजय चला गया बेटा अगर संजय हमें माल वापस कर देता है तो संजय हमारा एज अ डेटर घट गया और माल बढ़ गया अब इसमें सेल्स रिटर्न अकाउंट तो उसने पूछा नहीं मुझसे तो ये तो हटा ही दो लेकिन जो संजय घट रहा है उसके घटने का इफेक्ट उसके क्रेडिट में दिखाओ क्योंकि संजय क्रेडिट में घटता है कितना 2,000 रुपए नाम किसका लिखो सेल्स रिटर्न अगली ट्रांजैक्शन पेड रेंट में सृष्टि कौन कौन से दो अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे सर रेंट और कैश वंडरफुल एक रेंट और एक कैश इनमें से कौन सा अकाउंट मैं नहीं बना रहा हूं रियामान माइक अपने सामने ला सर रेंट तो रेंट अकाउंट तो मुझे सोचना ही नहीं क्योंकि उसने वो बनाने के लिए कहा ही नहीं मुझे अब अगर रेंट के नाम पर मैं कैश दे रहा हूं तो मेरा कैश घट रहा है कैश घट रहा है तो कैश के क्रेडिट में लिखूंगा बेटा कैश के क्रेडिट में कितना लिखूंगा 500 रुपए किस नाम से रेंट के नाम से Is that okay? Now seventh transaction, the last. ये वाला point वापस समझाना. कौन बोल रहा है बेटा? सर प्रियंका. प्रियंका सुनो, आपने रेंट अगर दिया है तो बेटा पहले तो आप हर ट्रांजेक्शन में ना आप अपनी एक आदत बनाओ पहले ये आइडेंटिफाई करो कि कौन कौन से दो अकाउंट से फेक्टेड है अब जैसे रेंट पे किया तो दो अकाउंट फेक्टेड है एक तो रेंट एज अ खर्चा और दूसरा कैश जो पैसा आपने दिया है हाँ या नहीं अब रेंट एज एन एक्सपेंस आपका बढ़ रहा है मगर रेंट को आपने कहीं दिखाना ही नहीं है दे डोंट वांट रेंट अकाउंट आपसे रेंट अकाउंट पूछ ही नहीं रहे
और दूसरा आपका कैश जो है वो घट रहा है। अब कैश घट रहा है तो कैश अकाउंट उसने मांगा है, कैश अकाउंट के क्रेडिट में दिखा दिया हमने रेंट। अगली ट्रांजैक्शन देखो, कैश पेड टू राम। राम कौन है? हमारा क्रेडिटर नवकरण। कैश पेड टू राम के केस में कौन कौन से दो अकाउंट्स अफेक्टेड हो गए? नवकरण सर एक तो कैश होगा और तेज बोल माइक ला अपने सामने। सर एक कैश होगा और दूसरा क्रेडिटर्स इसको दिए पैसे राम को, तो राम अफेक्टेड होगा। तो दो अकाउंट अफेक्टेड हो गए, एक राम और एक कैश। बेटा राम हमारा क्रेडिटर है जिसको हमने पैसे देने थे, अगर उसको पैसे दे दिए हैं तो एज अ क्रेडिटर वो चला गया और इधर कैश चली गई, दोनों अकाउंट घट गए ना बेटा। एक कैश कम हो गया क्योंकि हमने पैसे दे दिए, और एक राम का अकाउंट कम हो गया क्योंकि राम हमारा क्रेडिटर था, हमने उसको पैसे दे दिए तो वो भी कम हो गया। राम कहां कम होगा बेटा? डेबिट में। तो राम के डेबिट में लिखेंगे 15,000 रुपए और नाम लिखेंगे कैश। और कैश कहां कम होगा? क्रेडिट में। नाम लिखेंगे राम अकाउंट 15,000। एक बार बेटा एक क्वेश्चन और करते हैं इसको समझने के लिए, इसी चीज को समझने। हमें बनाना है कैश अकाउंट और डेटर अकाउंट और चलिए यही करते हैं तीनों, क्रेडिटर अकाउंट। इसने पहली ट्रांजैक्शन बोली सोल्ड गुड्स टू अर्नव, सेकेंड कैश रिसीव्ड फ्रॉम अर्नव, गुड्स रिटर्न बाय अर्नव। अब समझना बेटा, मुझे पहली ट्रांजैक्शन से समझ में आ रहा है कि अर्नव जो है वो मेरा डेटर है। हाँ बेटा, पहली ट्रांजैक्शन से मुझे समझ में आ रहा है क्या कि अर्नव जो है ही इज माय डेटर। अब उसका मतलब क्या है यहां ध्यान दो, अब बहुत अच्छे समझना अगर पहले नहीं समझा। आपने सबसे पहला काम क्या है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपके कौन कौन से अकाउंट्स अफेक्टेड। तो हमने अर्नव को माल बेचा है तो हमारे दो अकाउंट्स कौन से अफेक्टेड हैं? एक अर्नव और एक सेल्स। क्यों बेटा? अगर मैंने अर्नव को उधार माल बेचा है तो मेरे कौन से दो अकाउंट्स अफेक्टेड हैं? एक अर्नव का अकाउंट अफेक्टेड है और एक सेल्स का। क्यों भाई? रिया मान इज इट ओके? I am going step by step. Easy. बहुत जल्दी नहीं है मुझे। तो अगर मैंने अर्नव को माल बेचा तो दो अकाउंट इन्वॉल्व है, एक अर्नव और एक सेल्स। सेल्स का अकाउंट तो मैं यहाँ बना ही नहीं रहा हूँ, मुझे उसने क्या पूछा है? एक कैश का अकाउंट जो कि डेबिट में बढ़ेगा और क्रेडिट में घटेगा, और दूसरा उसने डेटर पूछा है तो वो डेटर मेरा अर्नव है। तो अर्नव अकाउंट जो कि डेबिट में बढ़ेगा और क्रेडिट में घटेगा क्योंकि ये मेरा डेटर है, और डेटर होता है एसेट। एसेट का रूल होता है डेबिट में बढ़ना और क्रेडिट में घटना। अब मेरे पास इस ट्रांजैक्शन में सिर्फ अर्नव रह गया। हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक एस्पेक्ट मुझे रिकॉर्ड नहीं करना, अभी नहीं करना, वैसे जब फ्यूचर में जाके सारे करने पड़ेंगे, लेकिन अभी नहीं करना। अभी मुझे सिर्फ अर्नव का इफेक्ट रिकॉर्ड करना।
अर्नव एज अ डेटर मेरा बढ़ रहा है बेटा क्योंकि मैंने अर्नव को उधार माल बेचा है। बोलो बेटा। यस सर। अर्नव एज अ डेटर मेरा बढ़ रहा है, तो अर्नव बढ़ता कहाँ है? डेबिट में। क्या लिखोगे डेबिट में? 10,000। नाम क्या लिखोगे? सेल्स अकाउंट। इज दैट ओके? दूसरी ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट क्या हैं? एक कैश और एक अर्नव। अगर अर्नव ने मुझे कैश दे दी तो मेरी कैश बढ़ गई है और अर्नव मेरे लिए एज अ डेटर घट गया है। सर सेल्स उसमें नहीं आनी चाहिए, कैश में। क्या सर? सेल्स तो कैश में आनी चाहिए ना। सेल्स? सर सेल्स कैश में आनी चाहिए ना। नहीं ना यार, उधार बेचा है माल, उधार माल बेचा है, तो सेल्स और अर्नव अफेक्टेड है, कैश नहीं अफेक्टेड पहली ट्रांजैक्शन में। और दूसरी ट्रांजैक्शन में जहां हमने अर्नव से कैश रिसीव किया, वहां कैश और अर्नव इन्वॉल्व्ड है। एक तरफ कैश बढ़ रही है और अर्नव घट रहा है, तो कैश का बढ़ना हमने कहां दिखा देना है? डेबिट में। नाम क्या लिखना है? अर्नव अकाउंट। और अर्नव को घटा देना है, नाम क्या लिखना है? कैश अकाउंट। इज दैट ओके? हाँ जी बेटा। यस सर। गुड्स रिटर्न्ड बाय अर्नव। अगर अर्नव ने हमें गुड्स रिटर्न करे हैं तो इसमें दो अकाउंट कौन से अफेक्टेड हैं? एक तो सेल्स रिटर्न, माल बेचा हुआ वापस आ जाए तो बेटा उसको सेल्स रिटर्न कहते हैं, और दूसरा अकाउंट अफेक्टेड है अर्नव। सेल्स रिटर्न मुझे चाहिए नहीं क्योंकि बनाना ही नहीं अकाउंट, और दूसरा अर्नव। बेटा अगर अर्नव मेरा बेचा हुआ माल मुझे वापस दे जाए तो अर्नव मेरे लिए घट जाएगा ना, अर्नव एज अ डेटर मेरे लिए घट जाएगा। तो अर्नव एज अ डेटर घट गया तो अर्नव के क्रेडिट में आएगा किस नाम से? सर सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न के नाम से। देखो बेटा ध्यान से, सर इसमें बैलेंस निकालना है। बैलेंस निकालना है, मैं पहले क्वेश्चन पूरा कर लूं फिर बैलेंस निकालना। ओके अब मैं इसी तरह से तीन ट्रांजैक्शन क्रेडिटर की करने जा रहा हूं बेटा। तीन ट्रांजैक्शन किसकी करने जा रहा हूं? क्रेडिटर की। परचेज गुड्स फ्रॉम रवित ₹5,000, पेड कैश टू रवित ₹1,000, गुड्स रिटर्न्ड टू रवित ₹5,000। अब जो है, अगर मैंने रवित से माल उधार खरीदा है तो रवित मेरा क्रेडिटर बन गया है बेटा। रवित कौन बन गया है? क्रेडिटर। तो मुझे एक क्रेडिटर का अकाउंट बनाना है। किसका अकाउंट बनाना है बेटा? क्रेडिटर का। किस नाम से? रवित। क्रेडिटर जो है लायबिलिटी है, क्रेडिट में बढ़ेगी और डेबिट में घटेगी। अब बेटा एक एक करके ट्रांजैक्शन 4, 5, 6 के दो इफेक्ट्स। अर्पित रिया मैं बार बार वीडियो के लिए नहीं बोल सकता। जसप्रीत राधिका तनिष्का अंबिया दशमीत अक्षित, कितनी बार बोलना पड़ेगा नालायकों। अब यहां पर अगर मैंने रवित से गुड्स खरीदे, उधार खरीदे, जब भी नाम लिखा और कैश नहीं लिखी तो यानी ये उधार है। अब मैंने उधार खरीदे हैं तो मेरे दो अकाउंट क्या अफेक्टेड हैं? एक तो परचेजेस और एक रवित। परचेज अकाउंट में बना नहीं रहा तो उसको तो पहले ही काटा मार दो,
अकाउंट किसका बना रहा हूँ? रवित का। अगर मैंने रवित से माल उधार खरीदा तो रवित एज अ क्रेडिटर बढ़ जाएगा बेटा मेरा। हाँ बेटा, रवित एज अ क्रेडिटर बढ़ जाएगा। तो रवित एज अ क्रेडिटर बढ़ जाएगा तो क्रेडिट में आएगा परचेजेस के नाम से 5,000 रुपए। रवित क्रेडिट में आएगा कितना? 5,000 रुपए। इज दैट ओके? क्योंकि रवित बढ़ रहा है। अगर मैं उससे माल उधार खरीद रहा हूं तो मेरे लिए वो एज अ क्रेडिटर बढ़ रहा है, तो मैंने बढ़ा दिया। अब दूसरी इस पांचवी ट्रांजैक्शन में कैश पेड टू रवित, इसमें दो ट्रांजैक्शन अफेक्टेड हो गए, एक कैश और एक रवित। अगर मैंने अपने क्रेडिटर को पैसा दे दिया तो मेरा क्रेडिटर कम हो गया, इधर से कैश कम हो गई, दोनों कम हो रहे हैं। बेटा अगर मैंने अपने क्रेडिटर, क्रेडिटर कौन है जिससे मैंने माल उधार खरीदा हुआ, अगर मैंने उसको पैसे दे दिए तो एज अ क्रेडिटर वो कम हो गया और कैश भी कम हो गई, तो इधर से मैं कैश माइनस करूंगा। कैश कम कैसे करूंगा? कैश में लिखूंगा क्रेडिट में 1,000 रुपए। किस नाम से? रवित अकाउंट। और रवित मेरा डेबिट में आ जाएगा क्योंकि रवित घटेगा तो डेबिट में आएगा 1,000 रुपए कैश के नाम से। फिर गुड्स रिटर्न टू रवित, बेटा जिससे माल उधार खरीदा उसको वापस कर दें तो परचेज रिटर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परचेज रिटर्न। और दूसरा अकाउंट कौन सा अफेक्टेड हुआ? रवित का। अब परचेज अकाउंट तो मेरा कुछ करना ही नहीं है मैंने, रवित का करना है। रवित का क्या करूं बेटा? अगर मैंने रवित को उसका माल वापस दे दिया तो रवित एज अ क्रेडिटर मेरा घट गया। यस सर, डेबिट हो जाएगा। रवित घटेगा तो डेबिट में आएगा 500 रुपए डेबिट में। किस नाम से? परचेज रिटर्न के नाम से। Am I right? Yes, sir. अब इसके बाद आपको करनी है बैलेंसिंग। बैलेंसिंग कैसे करनी है बेटा वो देखो। आपने, मैंने जैसे लास्ट टाइम समझाया था, जोन सी साइड बड़ी है वो दोनों साइड लिख देनी है। 3,000 बड़ी है, मैंने दोनों साइड लिखा टोटल के नाम से। जो इधर 2,000 कम है वो 2,000 लिखकर क्या लिख दो? बैलेंस। अब इसमें बेटा कौन सी साइड बड़ी है? डेबिट साइड। 10,000 रुपए है, आई विल राइट 10,000 ऑन बोथ द साइड्स। और जो 5,000 बच गए हैं वो क्या लिखूंगा? बैलेंस। इसी तरह रवित, रवित क्रेडिट में है आपके 5,000 और यही बड़ा है, तो 5,000 में से 1,500 गया तो 3,500 मेरा आ गया बैलेंस। हमने वाले क्वेश्चन में किन किन अकाउंट्स के बारे में, क्या बिना दोबारा बोलो सर, जो आप क्वेश्चन दोगे उसमें किन किन अकाउंट्स के बारे में बताना है? कैश, यही कैश, डेटर और क्रेडिटर। ठीक है सर।
ये तीन अकाउंट बनाने हैं बेटा आपने। बेटा क्रेडिटर हमारा हुआ प्रणव, पहली ट्रांजैक्शन में हमने प्रणव से गुड्स खरीदे। अगर हमने प्रणव से गुड्स खरीदे हैं तो इधर परचेजेस बढ़ गई और उधर प्रणव एज अ क्रेडिटर बढ़ गया, तो प्रणव के क्रेडिट में आएगा परचेजेस के नाम से 10,000। और दूसरा परचेजेस अकाउंट है तो वो हमने दिखाना नहीं। गुड्स रिटर्न टू प्रणव, इसमें प्रणव और परचेज रिटर्न अफेक्टेड है, तो प्रणव तो हम दिखाएंगे क्योंकि प्रणव घट रहा है, मगर परचेज रिटर्न नहीं दिखाएंगे। तो यहां पर परचेज रिटर्न के नाम से प्रणव को घटा दीजिए 4,000। फिर कैश पेड टू प्रणव, इधर कैश घट गई और उधर प्रणव घट गया, तो प्रणव के डेबिट में कैश अकाउंट 1,000 और इधर कैश के क्रेडिट में प्रणव 1,000। सोल गुड्स टू रनित, रनित हमारा डेटर हो गया, हमने रनित को माल बेचा तो रनित एज ए डेटर बढ़ गया हमारा, और सेल्स हो गई लेकिन सेल्स हमने दिखानी नहीं है, तो सिर्फ रनित के रनित में डेटर डेबिट हो गया 6,000। फिर रनित ने हमें गुड्स वापस दे दिए, तो सेल्स रिटर्न और रनित अफेक्टेड है, सेल्स रिटर्न अकाउंट बना नहीं रहे हैं, रनित के क्रेडिट में आ जाएगा सेल्स रिटर्न कितना 2,000। फिर रनित पेड कैश 1,000, तो इधर से रनित घट गया कैश के नाम से 1,000 और कैश बढ़ गई 1,000 से। अब कैश में तो बैलेंस आएगा नहीं कुछ क्योंकि दोनों साइड बराबर है, तो हमने बैलेंस कहीं नहीं लिखा। इसमें 6,000 इधर है, 6,000 इधर है, बचा कितना 3,000। 3,000 किस नाम से लिखेंगे? बैलेंस के नाम से। यहां 10,000, यहां 10,000, बैलेंस कितना बच गया 5,000 बस। चेक करो बेटा अपना।